आयरा, असल में हम निम्रा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते थे। निम्रा के? क्या क्या जानना चाहती हैं? यही कि ये लड़की कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैम, सब ठीक तो है ना? निम्रा से कोई गलती हुई है क्या, जो आप ये सब जानने यहाँ तक चली आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ताहिरा, बस हम निम्रा के बारे में सारी तफसील जानना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। जी, मैं आपको बताती हूँ। और जहाँ जहाँ पे लोगों के नाम ऐड करने थे वो फाइल्स, बुकिंग अग्रीमेंट है, जिस तरह से आपने कहा था मैंने वैसे करवा लिया है। वेंडर्स के नाम और जो सेकंड पार्टी है उसके नाम भी मैंने लिखवा लिए हैं, तो अब आप ये देख के फाइनली मुझे एक दफ़ा बता दें। सर, आपको ये समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझ आ गया। आपने इतने प्यार से समझाया, कैसे समझना था। वैसे कौन बदनसीब होगा जो आपको ना समझ पाए? सर, ये आप क्या क्या कह रहे हैं? मिस निम्रा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? देखें, हम दोनों की बातें हमारे बीच ही रहेंगी। मैं बहुत अच्छा राजदार हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? ओ कम ऑन मिस निम्रा, छोटी बच्ची हो क्या? देखो, हम दोनों अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा मैं। समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सर, मिस निम्रा को मैडम रीना मिला। ओके। अरे चाहिए चाहिए, बड़ी मॉम ने आपको बुलाया। और हाँ, सी यू सून। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो डिनर पे मेरा वेट मत कीजिएगा। कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है। पूछ सकती हूँ क्या काम है? बताना पसंद करोगे? क्या हो जाता है अम्मी आपको? मैंने कहा है ना, एक जरूरी काम है, एक बंदे से मीटिंग है बिजनेस के हवाले से। अभी तुम ऑफिस से आए हो और फिर चल दिए हो तुम। ये कर क्या रहे हो तुम? और अगर तुम ये समझते हो तुम उस जादूगरनी निम्मो को इस घर में लेकर आ जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम मिलो उस निम्मो से, शौक से मिलो, करते रहो दिल लगे उससे, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर की बहू सिर्फ नादिया बनेगी, समझ गए तुम? तकरीर हो गई आपकी, जा रहा हूं। खाला, अयूब अगर वाकई में उस निम्मो के पास चला गया और निम्मो ने बता दिया कि मैं उसके पास गई थी और मैंने उसको धमकाया था, अयूब तो मेरी जान ही निकाल देगा। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में तुम्हारी अम्मी कराची आने वाली हैं। बस मैं तुम्हारा निकाह करूंगी अयूब के साथ, और फिर मैं देखती हूँ कि ये माँ से टकरा कर उस निम्मो को अपनाएगा या फिर अपनी माँ को मौत के मुँह से वापस लेकर आएगा। खाला, आप ऐसा क्या करने वाली हैं? मैं एक चाल चलने वाली हूँ, फिर अयूब के निम्मो की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तुम देखना, परेशान मत हो। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? जी। हाउ आर यू निम्रा? आई एम ओके। जी बोले। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज हैव अ सीट। शुक्रिया मैडम। निम्रा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। जी। और हमें यकीन है कि आप हमें उस सवाल का जवाब बिल्कुल सच देंगे। जी जी मैडम। आप हमारे बेटे अबान को कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं? तो इनॉग्रेशन सेरेमनी पे ताहिरा मैडम ने बताया था कि अबान सर आपके बेटे हैं। मैडम आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं उनसे कभी भी बदतमीजी ना करती। इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले आप कहाँ मिली थी अबान से? मैम बुक शॉप पे। और जी वो उससे पहले बहुत पहले एक शॉपिंग मॉल में नजर आए थे। और बस। तो अबान आपसे क्या बात करते हैं? मैडम वो बात तो कोई ख़ास नहीं करते हैं, लेकिन मुझे सिंड्रेला बुलाते हैं और इस बात पे मैंने उनको डांट दिया था। सॉरी मैडम। अगर उनसे आपकी कोई बात नहीं हुई तो अबान ने आपकी पेंटिंग कैसे बनाई? उन्हें आपका चेहरा कैसे याद है? मैडम मुझे नहीं पता, आप ये प्लीज अबान सर से ही पूछ लीजिए। वो तो हम पूछ ही लेंगे। ठीक है, यू कैन गो नाउ। थैंक यू मैडम। मिनाल बेटा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? फरीदा बता रही है आपने खाना खाने से इनकार कर दिया। मुझे भूख नहीं लग रही, जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगी, आप फिक्र मत करें। अरे बेटा कैसे परेशान ना हो, आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं परेशान होऊंगा ना। अब आप अपसेट हैं, मुझे बता नहीं रही हैं, क्या बात है? आपको नहीं पता कि मैं अपसेट क्यों हूँ। तो बेटा आप मुझे बताइए ना कि आप अपसेट क्यों हैं? कहीं शीबा ने तो आपको कुछ नहीं? आप शीबा मम्मा की बात मत करें प्लीज, वो रो रही थी। आपने उनको हर्ट किया। आप तो मेरा आइडियाज है ना, हमने उनको हर्ट क्यों किया? बेटा आप जानती हैं कि आपके बाबा कभी गलत नहीं हो सकते। नो नेवर, आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा, पर आपने मम्मा को क्यों हर्ट किया? देखिए अभी आप छोटी हैं, आपको बड़ों की बातें समझ में नहीं आएंगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा और आपके बाबा कभी गलत नहीं हो सकते। शाबाश। आप साथ मिलके खाना खाएंगे ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हुआ करो। मैडम ये वो फाइल है जो आपने मंगवाई थी। ठीक है मैडम, निम्रा काफी मेहनती लड़की है और उसने बहुत जल्द काम भी सीख लिया। इसी मेहनत की वजह तो हम जानना चाहते हैं। क्या मतलब मैडम? नथिंग। हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, हम घर जा रहे हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि रब्बानी इंडस्ट्रीज़ की डिटेल्स हमें ईमेल कर दीजिएगा, और कल की अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो तो हमें घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके मैडम। थैंक यू। सिंड्रेला? सिंड्रेला? प्यारी मैडम, सब खैरियत तो है? आपने इतनी इमरजेंसी में बुलवाया? ताहिरा, आप हमें काफ़ी सालों से जानती हैं, आपने हमें इतने सालों में कैसा पाया? मैडम, आप तो बहुत प्यार करने वाली और नफीस खातून हैं। गरीबों का दुख दर्द आपने हमेशा महसूस किया है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपने भी नादार और बेसहारा बच्चियों को हमेशा माँ की तरह सहारा दिया है। हम आपसे आज आपकी एक बच्ची की बात करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें अपनी बेटी बना सकें। मैडम, मैं समझी नहीं, आप प्लीज़ खुल के बात कीजिए। हम निम्रा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगी। मैडम, यह आप क्या कह रही हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से हाँ है? मैम, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन निम्रा से पूछे बिना मैं ये फैसला नहीं कर सकती। निम्रा की मर्ज़ी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो देर किस बात की, आप जाइए और जाके निम्रा से बात कीजिए, हमें जवाब हाँ में चाहिए। मैडम, प्लीज़ मुझे 1-2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं निम्रा से बात करके आपको खुद बताऊँगी। वो बेचारी बहुत दुखी है अपनी पहली नाकाम शादी की वजह से। ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, लेकिन आप हर हाल में निम्रा को राजी कीजिए, हम उन्हें अपने ख़ानदान की इज्जत बनाना चाहते हैं। भाभी, वो आज ताहिरा आई थी, खैरियत है सब? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं भाभी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, कोई जरूरी काम था तो आप जयान को बता देती ना, वो कर देता आपके लिए। नहीं, जयान की जरूरत नहीं थी, जहां जयान की जरूरत होती है हम बुला लेते हैं। एक्सक्यूज मी भाभी, आपने खाना नहीं खाया? सिकंदर, हमारा मूड नहीं है, जितना खाना था खा लिया, प्लीज कैरी ऑन, गुड नाइट। कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकड़ी है। अरे वाह, खिचड़ी पकड़ी है? अब तो फिर यूं कीजिएगा कि उसके साथ मसाले वाले मिर्चे भी बना लीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो चुप ही कर जाए, जब पानी सर से गुजर जाएगा ना फिर होश आएगी आपको। मामा, डोंट वरी, आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों लेती हैं? मैं तो तुम्हारे आस में जी रही हूँ कि कभी ना कभी मेरा ख्वाब पूरा होगा, वरना तुम्हारे बाप के ना। अरे, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। डैड, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो एक दोस्त के घर महफिल मौसीकी है, वहीं जा रहा हूँ। तो मैं चलना है, साथ चलो। नो डैड, प्लीज़, आप अपनी दुनिया में मगन रहें, एंड प्लीज़ मुझसे कोई उम्मीद नहीं लगाएं कि मैं आपके साथ जाऊँगा। सॉरी। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या ख्याल है? आज आप हमें शर्फ इज्जत बख्श दें, आप साथ चली चलें। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे और बहुत काम है करने को। जैसे आपकी मर्जी। ओके, मैं चलता हूँ। बाय डैड। चलो ऐसे ही सही, तुमने मुझे मनाल के कहने पर प्यार से तो बुलाया। मनाल मेरी जिंदगी है, उसकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नदीम, पहले मनाल के नाम के साथ मेरा नाम भी आता था। क्या तुम वाकई मुझसे दूर रहना चाहते हो? क्या हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? क्या हुआ इस जिंदगी को? सब कुछ वैसा ही तो है जैसा तुम चाहती थी। नहीं, तुम बदल गए हो। तुम्हारी नजरें, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू सब बदल गया। मुझे मेरा पहले वाला नदीम वापस चाहिए। क्यों याद आती है? किसकी याद? नदीम की। उस नदीम की जिसको तुमने अपने हाथों से खत्म कर दिया। अब मुझसे क्या मांगती? प्लीज नदीम, अब बस भी कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम दोनों खाली हाथ रह जाए। लेक्चर अच्छा दे लेती हो, मगर याद है तुम्हें, मैं तुमसे कहता था, तुम्हें समझाता था, लेकिन तुम जैसी बेहस औरत को क्या फर्क पड़े। प्लीज नदी, बस कर दो। अपने लफ्जों से और जख्मी मत करो मुझे। आखिर मेरी ये सजा कब खत्म होगी? खत्म भी होगी या नहीं, एक बार बता दो मुझे प्लीज। ये तो उम्र कैद है शीबा, बर्दाश्त करो। उम्र कैद ही तो काट रही हूं। कब तक काटनी है ये उम्र कैद? निम्मो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी मैडम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक है, परफेक्ट है, बल्कि एकदम परफेक्ट है। क्या बात है मैडम, आप बहुत खुश लग रही हैं। इससे पहले आपको इतना खुश नहीं देखा। बात ही इतनी बड़ी है। तुम्हारी शादी होने वाली है। मिसेस रीना के भतीजे जयान के साथ। मैडम, क्या आप क्या कह रही हैं? आपने कैसे सोच लिया कि मैं सर जयान से शादी कर दूंगी अगर मिस रीना रिश्ता मांगेंगी तो? आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, आपने उनको मना क्यों नहीं किया? देखो निम्मो, मेरी बात सुनो और प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ हज़ारों दुखी और बेसहारा औरतों को देखा है जो छोटी छोटी खुशियों को तरस रही हैं। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना अमीर घराना तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता है, वरना कहाँ होता है ऐसा? बताओ मैडम, मुझे नहीं बनना किसी अमीरजादे की इज्जत। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप प्लीज मिसेस रीना को इनकार कर दीजिए। हेलो ताहिरा, कहाँ हैं आप? हम आपका वेट कर रहे थे। क्या हुआ? बात हुई निम्रा से? हाँ की उन्होंने? मैम सॉरी, निम्रा ने इनकार कर दिया है, वो शादी करना ही नहीं चाहती। नहीं नहीं तायरा, हम इनकार नहीं सुन सकते। आप नहीं जानती ये शादी कितनी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार फिर निम्रा से बात कीजिए। मैम प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये निम्रा को प्रेशराइज नहीं कर सकती। वो शादी करना तो क्या, शादी का नाम तक सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी शादी की वजह से ही यहाँ तक पहुँची है, वो दोबारा शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। Aban, I promise you, आपकी मॉम आपकी सिंड्रेला को यहाँ लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई खुशी नहीं। क्या बात है, आजकल हमारा प्रिंस चार्मिंग कुछ पेंटिंग्स नहीं कर रहे। मामा अब अबान सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेला की पेंटिंग्स बनाया करेगा, हैप्पी, सैड और एंग्री सिंड्रेला की। पर सिंड्रेला की पेंटिंग तो आप बना चुके, तो फिर से क्यों? मामा आपको पता है अबान को सिंड्रेला की फोटो मिली है, अबान अब उसको देख के पेंटिंग्स बनाया करेगा। क्या कहा आपने? फोटो कहां से मिली? मामा मेरे बेड पर थी, मुझे लगता है सिंड्रेला खुद छोड़कर गई है। देखें। अब अबान सिंड्रेला की थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स बनाएगा, हैप्पी, सैड, एंग्री सिंड्रेला, मेरी सिंड्रेला। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाना। हाँ अभी ऐसा करो कि अपना दूध पी लो और मैं जो ना ये पेंटिंग अभी अभी जाके ना वापस लेके आती हूँ, ठीक है? मामा ला दीजिएगा, मैंने पेंटिंग स्टार्ट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल अभी लाती हूँ, पहले अपना मिल्क फिनिश करो, ठीक है? हेलो बेबी। यार यू डोंट हैव टू वरी, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। बस तुम अपने चेहरे पे स्माइल रखा करो, बिल भी लेंगे, उसकी क्या फिक्र। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। मामा क्या बात है, खैरियत? आप मेरे रूम में? कुछ भी ठीक नहीं है। ये लड़की कौन है? ये मिस निम्रा है। क्यों? कौन है ये? रिसेंटली हमारे ऑफिस को ज्वाइन किया, लेकिन आप क्यों पूछ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब मुझे समझ आ गई है, ये रीना बहुत चालाकी करती है ना, लेकिन मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकती। इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रही हैं, कहना क्या चाह रही हैं? तुम तो बस ना सोए रहना। मतलब मैंने तुम्हें रीना की जासूसी के लिए रखा था और तुम्हारी तो अयाशी की दुनिया ही अलग है, और तुम्हारे बाप की तरह। मामा सुने तो मेरी बात। मामा पता नहीं आप क्या करेंगे। मामा ओह हाँ बेबी, सॉरी यार, मैं थोड़ा सा। निमो क्या बात है, मैं देख रही हूँ जब से तुम ताहिरा मैडम के पास से होकर आई हो, कुछ परेशान हो, कोई मसला है क्या? जिंदगी ना जाने मुझसे क्या चाहती, ना चैन से जीने देती और ना चैन से मरने। क्या हुआ निम्रा? मुझे मैडम ताहिरा ने बुलाया था। मैं जहां पर जॉब करती हूँ ना, उनकी हेड का नाम मिसेस रीना है। मिसेस रीना मैडम ताहिरा के घर आई थी अपने भतीजे जयान के लिए मेरा हाथ मांगने। क्या मतलब, शादी के लिए? मिसेस रीना जयान सर से मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं जानती हूं कि ये जरूर उस अमीरजादे की फरमाइश है। तुम्हें पता है, उस आदमी की आंखों से दरिंदगी टपकती है। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। ऑफिस में ना सारी लड़कियों को और मुझे हर वक्त घूरता रहता है। मैं कोई खिलौना हूं किरण? निमो, तुम परेशान मत हो। ताहिरा मैडम तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। तुम बेफिक्र होके सो जाओ। मैंने ठीक किया ना इनकार करके? अरे हाँ बे, बिल्कुल ठीक किया। चलो अब सो जाओ। मैं ताहिरा मैडम को कहूंगी कि मेरी जॉब कहीं और करवा दें। मुझे नहीं मिसेस रीना के पास जॉब करनी। हाँ हाँ बस ठीक है, परेशान मत हो। सो जाओ, ठीक है? मम्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। रेडी हो गई आप? यस। जल्दी से ब्रेकफास्ट करें। शाबाश, बैठे। मिनाल बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए। मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए। अब तुम ऑफिस चले जाओ, मैं मिनाल को आज ड्रॉप कर दूंगी। डोंट वरी प्लीज। यस बाबा, आप डोंट वरी। मम्मा मुझे स्कूल ड्रॉप कर देगी। जी नहीं, हम आपको ड्रॉप नहीं कर सकती क्योंकि मामा का अपॉइंटमेंट है। अगर आप भूल गई हैं शायद आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ओह सॉरी मिनाल, मम्मा को याद नहीं रहा। आज मम्मा का ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मम्मा आपको फिर किसी दिन ड्रॉप कर देंगी स्कूल। इट्स ओके। गुड गर्ल। जो अपने रूम से बैग लेके आ जाओ, मैं सैंडविच बनवा देता हूँ, हम रास्ते में खा लेंगे, हमें देर होगी। ठीक है, ओके बाय बाय। तो जीवन, मुझे याद आया कि कितने अपॉइंटमेंट मिस कर चुकी हो तुम डॉक्टर के अभी तक। और वजह तुम्हें क्या लगता है कि तुम नॉर्मल हो गई हो? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ दुनिया वालों की तरह? पागल लगती नहीं हो तुम, पागल हो। तुम्हें समझ नहीं आता लेकिन तुम पागल हो। ये कौन हो सकता है जो मुझे अननोन नंबर से कॉल कर रहा है? कौन होगा? अयूब, तुम? मैम प्लीज एक बार निमो से मुलाकात करवा दी मेरी। सॉरी, निमो ने मना किया था। उसकी इजाजत के बगैर मैं बात नहीं करवा सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। सिर्फ एक बार, आखिरी बार, आखिरी कोशिश। इस वक्त तो आई थिंक वो ऑफिस के लिए निकल गई होगी। तुम अभी जाओ, मैं उससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओके? ऑफिस? निम्मो जॉब कर रही है? हाँ, कर रही है। उसे उसकी जिंदगी उसकी मर्जी से जीने दो, मत सताओ उसे अय्यूब, प्लीज। वो बहुत डरी हुई और उलझी हुई लड़की है। आप भी मुझे निम्मो की तरह गलत समझ रही हैं। मेरी नीयत गलत नहीं है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं निम्मो को खुश रखना चाहता हूँ, अपनी इज्जत बनाकर। फिलहाल तो ये सब मुमकिन नहीं है, इंतजार करो अगर हिम्मत है तो, क्योंकि निम्मो रूह से जख्मी हुई है। इंतजार करूंगा, जिंदगी भर उसका इंतजार करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज ये एक आखिरी एहसान कर दीजिएगा मुझ पर। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, चलिए फिर जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा। जाइए। रीना मैडम, आप यहाँ इस वक्त? निम्रा कहाँ है? मैम क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हमने कहा था ना, हमें इनकार नहीं सुनना। निम्रा को बुलाइए, हम उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। जी अच्छा। मैडम आप ऑफिस नहीं आई निम्रा? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ऑफ ले लिया। तो आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलना होगा। मैम कहाँ? आप आइए, हम बताते हैं। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? आप यूं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती निम्मो के साथ। ताहिरा, हम कुछ देर में वापस ले आएंगे निम्रा को, आप परेशान मत हो। मैम मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये आपकी तस्वीर है, गौर से देखिए। ये हमारे अबान ने बनाई है आपके लिए। हमारे अबान की कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई। इनफैक्ट अपनी फैमिली के अलावा उन्हें कभी कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप अबान के ख्यालों पर इस तरह से छा चुकी हैं कि वो बिना आपको सामने बिठाए ही आपकी पेंटिंग बनाते हैं। आप हमारे अबान की जरूरत है निम्रा। आप क्या कह रही हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। डॉक्टर ने कहा है कि अबान ठीक हो सकते हैं अगर आप उन्हें मिल जाएं, वो नॉर्मल हो सकते हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अबान के डॉक्टर ने हमारी यूएस में मौजूद एक डॉक्टर से, एक स्पेशलिस्ट से बात करवाई। उन्होंने हमसे ये कहा कि अबान जैसे लोग जिन सराउंडिंग्स में और जिन लोगों के साथ सेफ फील करते हैं, अगर वो उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, वो भी नॉर्मल हो सकते हैं। उन्होंने हमसे अबान की शादी करने के लिए कहा। आप हमारे बेटे की पहली खुशी हैं निम्रा। मैडम, आप मेरी शादी अबान से करवाना चाहती हैं? यस निम्रा, अबान हर वक्त आपका जिक्र करते हैं। इनफैक्ट वो आपको सिंड्रेला कहते हैं और खुद को सिंड्रेला का प्रिंस चार्मिंग। निम्रा, हमारा वादा है, हम आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। अबान की मॉम नहीं, आपकी मॉम बनकर आपका साथ देंगे। आप हमारे अबान का साथ देंगी ना? बेटा, हम आपको यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें कि अबान आपको कितना पसंद करते हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है बेटा।